बिगिनिंग दिस एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी हैवी. ये बहुत ही थोड़ा सा भयानक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए. मुझे शायद 80s 90s में बॉर्न होना चाहिए था, क्योंकि मुझे तब की फिल्में बहुत पसंद हैं जो लिपसिंग करके हम गाने गाते थे, द बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर्स. आई लव देम, आई स्टिल डू. फिल्म का जो सब्जेक्ट है, मैं गुजरात से हूँ, तो ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है मेरे लिए अनसुना नहीं था. पर ये बात ज़रूर है कि जो गुजरात रायट्स जिसे कहते हैं या गोधरा कांड जिसे कहते हैं, मेरे लिए वो भेद इतना क्लियर नहीं था, क्योंकि आई वॉज़ वेरी यंग व्हेन दिस हैपेंड इन 2002. सो आई थिंक आई न्यू अबाउट इट, बट आई डिड नॉट नो अबाउट इट, यू नो द डिफरेंस. इतिहास की जब बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती है. सबसे पहले हमें इतिहास इन्फॉर्म करता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में. फिर वही इतिहास हमारे मन में बहुत सारे सवाल खड़े करता है, और साथ साथ ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, लेकिन क्या ये स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय थी कि इस इतिहास को इस तरह गुजरना पड़ा. आज एक ऐसी ही फिल्म है जिसका ऐसा इतिहास है जो हमारे दिल में बहुत सारे सवाल खड़े करता है, बहुत दर्द हमें देता है, और उस इतिहास का नाम है गोधरा. हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर एक फिल्म रिलीज हुई है, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, और आज उसी की एक कलाकार हमारे साथ हैं हमारे शो पर, और उनसे हम यही जानेंगे कि ये फिल्म जो रिलीज़ हुई है किस तरह उन्होंने इसमें काम किया, कि इतिहास इस फिल्म का इतिहास कैसा रहा. और वो है हमारे साथ दिनिशा घुमरा जो साथ हैं. बहुत बहुत बधाई सबसे पहले. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. आपका ये फिल्म रिलीज हुई है काफ़ी एफर्ट्स के बाद हुई, आई एम श्योर इसकी एक कहानी है. तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस फिल्म के साथ. ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है, मैं गुजरात से हूँ, तो ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है मेरे लिए अनसुना नहीं था. पर ये बात ज़रूर है कि जो गुजरात रायट्स जिसे कहते हैं या गोधरा कांड जिसे कहते हैं, मेरे लिए वो भेद इतना क्लियर नहीं था, क्योंकि आई वॉज़ वेरी यंग व्हेन दिस हैपेंड इन 2002. सो आई थिंक आई न्यू अबाउट इट, बट आई डिड नॉट नो अबाउट इट, यू नो द डिफरेंस. एंड मेरा एक्सपीरियंस जो इस फिल्म के साथ रहा, वो पहले दिन से ही, जब मैं जुड़ी इस फिल्म के साथ, तब से ही आई स्टार्टेड टू रीड अबाउट इट. और जो शिवाक सर है, उन्होंने करीबन 5 साल का रिसर्च किया है इसके पीछे. सो टू नो अबाउट द विक्टिम्स, उनसे असल में जानना कि उनके लिए ये कैसा था, जिन लोगों ने इमीडिएट वहाँ पे वो जो हाजिर हुए थे, जैसे कि जो फायर ब्रिगेड वाले थे या जिन्होंने बॉडीज़ निकाली, उन लोगों से बात करना. तो आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग दिस एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी हैवी. ये बहुत ही थोड़ा सा भयानक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए. और आप इस फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द कंक्लूजन, द क्लाइमेक्स ऑफ द मूवी एज वेल. तो वो किस तरह का शूट था, और क्या वो दिमाग में बहुत ज़्यादा गहरा असर किया? एब्सोल्युटली. फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ शूट मैं यही सोच रही थी कि मैं वो कैसे प्ले करूँगी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसा फीलिंग होता है जब आपका पूरा शरीर जल रहा है, राइट? बिकॉज आपको कुछ भी अगर गर्म लगता है तो इट्स अ ह्यूमन रिफ्लेक्स, बट टू इमेजिन दैट योर एंटायर बॉडी इज़ बर्निंग वॉज अ फीलिंग जो मेरा माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था. हालाँकि जब तक हमने शूट नहीं किया तब तक इट डिडंट फ्लो, आई वॉज नॉट वेरी क्लियर. वंस द शूट स्टार्टेड, इट वॉज, आई थिंक वी शॉट द फायर सीक्वेंसेस करीबन 7 दिन के लिए, और रोज़ यही होता था कि रोज़ सुबह उठ के हम लोग जा रहे हैं शूट पे, कोई ना कोई कैरेक्टर्स अंदर जा रहा है, आग लग रही है, लोग चीख रहे हैं. तो ये माहौल 7 दिन तक रहा था. और शूट पे जो हमारे एक्शन मास्टर्स थे, उन्होंने बहुत सेफली चीज़ों को हमारे लिए वो कर दिया था. इसीलिए आई थिंक आफ्टर फर्स्ट टेक मेरा पूरा डर चला गया था. बाकी तब तक मैंने मॉनिटर में जब दूसरे एक्टर्स को आग लगते हुए देखा और ये सब, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि बिकॉज आग आग है एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, नो मैटर व्हाट प्रिकॉशंस आर देयर, इट्स फायर. बट आई थिंक वंस वी स्टार्टेड टू शूट, वो होता चला गया. एंड मेरे लिए सबसे टफ चीज़ यही थी, ये समझना, क्योंकि ये पल पल मुझे ये पता रहता था कि हम सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है. मतलब कि जितने भी कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं वो सब असल में हुआ है, यू नो, टू जस्ट नो दैट दिस एक्चुअली हैपेंड. वो बहुत हैवी था एक्चुअली थ्रू आउट. बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म रिलीज़ हो गई है,
रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे मिले हैं इसको, बट आपको लगता है दर्शक इस तरह की सिनेमा देखना जाएंगे और देख रहे हैं? क्योंकि नंबर्स आर कमिंग बट उम्मीद से थोड़े कम हैं इस फिल्म को। जी नहीं नहीं, मुझे लगता है कि एक बार अगर दर्शक जाते हैं तो उनका जो रिव्यू आता है वो बहुत, मतलब वो वही आता है जो हमने सोचा था या हमने एक्सपेक्ट किया था। बट ये बात शायद सच है कि शायद हम दर्शक तक कम्प्लीटली नहीं पहुंच पाए हैं मे बी, या तो अभी तक वो आए नहीं हैं। तो आई थिंक इफ दैट टाइमिंग मैचेस, कहीं ना कहीं ये सवाल नहीं खड़ा होता कि इतिहास के बारे में जो आजकल की जनता है या लोग हैं वो ऑलरेडी इंटरनेट पे इतना कुछ है, वो उसके बारे में सिनेमा पर क्यों देखना चाहें? नहीं, मुझे लगता है कि एक ऐसा मीडियम है सिनेमा विजुअल कि हम जानते हैं ये चीज़ को, और बहुत सारे लोग हैं जो 2002 की पूरी जो दुर्घटना है उसके बारे में जानते हैं, बट टू सी इट विजुअली मेक्स सो मेनी थिंग्स क्लियर। तो मुझे ये नहीं लगता कि लोग नहीं देखना चाहते हैं, मुझे ये लगता है कि अभी तक शायद हम नहीं पहुंच पाए हैं सब लोगों तक, या तो अभी तक लोग टाइम नहीं निकाल पाए हैं या जो भी रीज़न है, बट आई फील दैट वंस दे गो आई थिंक इट्स समथिंग दैट दे वुड लाइक टू वॉच। रणवीर शौरी भी यू नो इस फिल्म में हैं और काफ़ी समय के बाद वो भी बड़े पर्दे पर नज़र आए हैं, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? हालांकि आपके सीन्स नहीं है ज्यादा उनके साथ, इनफैक्ट एक भी सीन नहीं है, फिर भी उनकी उनसे कुछ मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि हम लोग डबिंग में मिलने वाले थे, लेकिन मेरा जल्दी ख़त्म हो गया, उनका लेट ख़त्म हो गया, नाउ ही इज़ इन बिग बॉस। बट मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि बचपन से वो मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर रहे हैं, चाहे वो किसी भी किरदार में क्यों ना हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी जो भी बाहर चल रहा है उसके बारे में कि वी लव हिम, ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर एंड पीपल नो दैट ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर। बिग बॉस में भी उनका एक अलग स्वरूप नज़र आ रहा है, आपको लगता है इज़ वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स? एब्सोल्युटली, यस यस एब्सोल्युटली। और आपके गुजरात से हो आप, और वहाँ पे भी एक अलग तरीके का काम थिएटर्स में बहुत वहाँ पे तवज्जो दी जाती है गुजरात में, तो क्या वो आसान रहता है? क्योंकि जेंजी आजकल जो है वो चाहती है कि वो तालीम तो ले मगर स्मार्ट तालीम ले, उन्हें वो 2 साल नहीं लगाने, उन्हें 2-3 महीने के अंदर सीखना है और फिर आगे काम करना है। आप क्या कहना चाहोगे, थिएटर से वो चीज़ हासिल होती है? एब्सोल्युटली। मैंने बहुत एक छोटा सा किरदार किया था एक फिल्म में, और वहाँ पे दूसरे थिएटर के एक्टर्स थे, उन्हें देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहले सीखना पड़ेगा, मुझे थिएटर करना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप थिएटर करो तो ही आप अच्छा काम कर पाएंगे आगे, दैट्स नॉट द रूल, बट येस इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, वो आपको टेक्निक सिखाता है। और बाकी मुझे लगता है कि ये 2-3 महीने 2-3 साल का कुछ काम है ही नहीं, दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बिकॉज एज एन एक्टर इट्स अ ह्यूमन इमोशन, लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको ये सारे ह्यूमन इमोशंस आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक आप करते रहें तब तक यू गोना कीप लर्निंग। मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था तो आप एक अलग लुक में थी जी, आज आपका लुक बदल गया है। आई थिंक दैट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप फॉर अ लेडी टू टेक आल्सो, योर कैरेक्टर के लिए हम कम मिलते हैं। आपने अपने ये चॉप्ड योर हेयर, यस, तो ये ऐसा आपने क्यों किया और किस चीज के लिए कर रहे हो अभी? मैं क्लियरली अभी तो ये नहीं बता पाऊंगी, बट आई जस्ट से दैट वी आर शूटिंग फॉर अ सीरीज एंड गांधी जो हंसल सर डायरेक्ट कर रहे हैं अभी, आई थिंक दैट्स द बिट ऑफ इट दैट आई कैन से, बट मे बी लेटर ऑन जब भी इस चीज़ तो के बारे में बात होगी। क्योंकि श्रृंगार बहुत पसंद है नारी को जी, आपने अपने बाल चॉप किए, वाज इट अ डिफिकल्ट थिंग, या फिर हंसल मेहता जैसे आपने कहा उनके साथ काम करने का एक अलग चाह है, वे कितने प्रोलिफिक डायरेक्टर हैं जी, तो ये उसकी वजह से वो स्टेप ले लिया, ठीक यार हो जाएगा। या इट्स हंसल मेहता, इट्स हिम, लाइक ही इज डन वंडरफुल वर्क एंड आई रियली रियली वांटेड टू वर्क विद हिम, सो आई थिंक दैट इट वाज नेवर अ क्वेश्चन। एक सवाल मैं ज़रूर पूछ अपने सारे एक्टर्स से ज़रूर पूछता हूँ, वो है कि ये जो कंटेंट फ्रेंडली ज़माना अब है जिसमें OTT है, जिसमें आपको अपने तरीके का काम करने का मौका मिलता है, एक एक्टर्स के लिए जो आप जैसे लाइन ऑफ एक्टर्स हैं, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म राइट नाउ या गुड स्पेस है एक्टर्स के लिए आजकल कि वो एक्सपेरिमेंट करें? अब वो काम के लिए इतना तलाश नहीं करने की ज़रूरत, अच्छे एक्टर्स को मिलता है। जी मैं ये मानती हूँ, पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शायद 80s 90s में बॉर्न होना चाहिए था, क्योंकि मुझे तब की फिल्में बहुत पसंद हैं जो लिप सिंक करके हम गाने गाते थे, the बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर्स, आई लव देम, आई स्टिल डू, बट आई फील कि आई एम सो ग्लैड कि मैं इस वक्त बॉर्न हुई हूँ और मैं ये टाइम में आई एम एन एक्टर, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज़
OTTs के वजह से खुली है, सारे एक्टर्स, नॉट जस्ट एक्टर्स, आई फील राइटर्स ऑल्सो, ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिव पीपल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं और वो हम सबके लिए अच्छा है. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ऑडियंस इज गेटिंग सो मच ऑफ कॉन्टेंट विथ विच सम ऑफ विच इज एक्सीलेंट एक्चुअली आई फील. जैसे आप गुजरात से अपने हिंदी सिनेमा का रुख किया है तो आपको वेलकम किया है लोगों ने, डिड यू फाइंड इट एनी डिफिकल्ट कि उस वहाँ से यहाँ आने की जर्नी में कुछ डिफिकल्ट लगा? नहीं, वो आई थिंक इट वॉज प्लान्ड, ऑफकोर्स आई वॉन्टेड टू डू इट, बट ये राइट अपॉर्चुनिटी थी एंड वेलकमिंग लगा. स्टार्टिंग विथ यू, आई थिंक यू हैव वेलकम्ड मी रियली रियली वेल, तो ऑफकोर्स इट इज़ वेलकमिंग. पीपल हियर आर नाइस, दे आर एक्साइटेड टू नो न्यू पीपल एंड स्टफ, सो या आई थिंक इट्स बीन गुड एंड आई होप दैट इट कंटिन्यूज द सेम वे. एक सवाल जरूर पूछूंगा जाने से पहले कि इंडिपेंडेंस डे इज अराउंड द कॉर्नर, या उस इंडिपेंडेंस एज अ इंडियन सिटीजन आपके अंदर क्या फीलिंग आती है, ये पहला सवाल. उस पार्ट सवाल का दूसरा भाग ये है कि आपकी जिंदगी में इंडिपेंडेंस क्या है? ओके, मेरी जिंदगी में इंडिपेंडेंस है कि वट एवर आई वॉन्ट टू डू ऑन माई ओन विल, वेदर इट इज सिटिंग एट होम द एंटायर डे और अर्निंग द नेक्स्ट डे, आई थिंक जब तक मेरे पास वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आई थिंक दैट्स इंडिपेंडेंस फॉर मी. एंड आई थिंक द सेम गोज एज अ होल द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, आई फील कि हम लोगों के पास जो वो चॉइस ऑफ फ्री विल है, आई थिंक दैट इज़ वाई वी आर ऑल वेरी वेरी वेल्दी टूडे, बिकॉज वी हैव दैट फ्रीडम, दैट्स इंडिपेंडेंस फॉर मी. बस आपको यही हम भी चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंस बनी रहे, और जैसा अच्छा काम आपने गोधरा में किया है, आने वाले और भी बहुत सारे आपकी फिल्म्स, वेब सीरीज, OTT में हम आपको देखें. बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. तो गोधरा आपके नियरेस्ट सिनेमा घर में रिलीज़ हो चुकी है, आप जाइए देखिए इस इतिहास के बारे में, दनिशा का काम आप उसमें देखिए, उन्होंने किस तरह किया है, अच्छा किया है, तो उनके इंस्टाग्राम में कहीं तक पहुँच कर उन्हें ज़रूर बताइए. फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगली बार, लेकर आएंगे एक नया फनकार, जानेंगे उनकी कहानी खुद उनकी ज़बानी.